जय श्री राधे कृष्ण फ्रेंड्स, क्या खा रहे हो? मधु एंड घी दोनों ही बहुत टेस्टी बने हैं। तो यहाँ पे बन रहे हैं मालपुए। आज मैंने क्या किया कि पहले तवे को अच्छे से धो लिया। इसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना, जो नॉनस्टिक कुकवेयर की होती है, वो वाली कोटिंग हट चुकी है। तो धोने के बाद में है ना चिपकने लगते हैं। तो पहला मालपुआ था वो बहुत मुश्किल से उतरा और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जय श्री राधे कृष्णा। माना जी शादी में चले गए हैं और क्रिश स्कूल जा चुका है। मैं बना रही हूँ मालपुए। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी ये किसी पार्टी में जाते हैं तो हम भी घर पे अपनी मनपसंद चीजें बना के खाते हैं, ताकि क्रिश को पार्टी की वो रहे ना कि वो पार्टी में नहीं जा सका। अब बहुत सारी शादियां इस महीने में, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि क्रिश के एग्जाम है, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी, ये अकेले ही जाएंगे। तो क्रिश को ऐसा कुछ फील ना हो इसलिए मैं घर पे मिठाइयां बनाती रहती हूँ। बातें करने के चक्कर में मालपुआ जल गया, स्लो करना भूल गई थी मैं, तो बातों में कुछ ना कुछ तो कबाड़ा हो ही जाता है। ये देखिए इतने अच्छे से बन रहे थे सारे, ये एक बातें लग गई और बातें लगते काम खराब। तो थोड़ी देर बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी माल पे दो और बच्चे हैं, वो बना लूं। क्रिस का बना के टिफिन पैक हो चुके हैं और अब मैं मेरा बना रही हूँ। की रही मेरी राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। फिर लड्डू को बाहर राधा रानी को भी नहलाना है, तो थोड़ी देर बाद में मिलते हैं। तो पहले मैं मालपुए खा लेती हूँ, उसके बाद में बाहर का काम करने जाऊंगी। मुझे घी नहीं खाना होता तो मैंने खुद के लिए बिना घी का मालपुआ बनाया है। तो आप देख सकते हैं इस पे बिल्कुल भी घी नहीं है। ये मेरा हाथ गीला है पहले से, तो ये देखिए बिना घी का है, क्योंकि घी मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मुझे आज बहुत ज़्यादा चुनियों के लेस लगानी है, मतलब 4 से 5 चुनियाँ होती है जिनके लेस लगानी है, क्योंकि शादी आने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले गिफ्ट के बाद काम फ्री कर दूँ। तो अभी मैंने अपना सेटअप रेडी किया है। तो ये देखिए, ये लड्डू गोपाल की टेबल थी जो मैंने यहाँ पे रख दी है, क्योंकि मैं बैठ के नहीं लगाऊंगी, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता है फिर। तो लड्डू गोपाल की टोकरी और उनके झूले वगैरह मैंने साइड में रख दिए हैं और लड्डू गोपाल की टेबल को मैंने ले लिया है। तो देखती हूँ खड़े रह के लगाना कितना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं फिर कैंसिल करूँगी, क्योंकि नहीं हो पाया तो ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, और जितना मेरे से इजीली हो पाता है उतना मैं काम कर लूँगी। तो आज ऐसे आराम से खड़ी हूँ, वैसे ये देखिए खड़ी रहने पर मुझे लगता है मैं कर दूँगी, आधा घंटा खड़े रहना पड़ेगा। तो पहले तो 4-5 चुनियों के लेस लगानी है, एक दिन में नहीं 3-4 दिन में आराम से लगाऊंगी। और एक मुझे ऐश्वर्या की ड्रेस तैयार करनी है, तो मेरे खुद के सूट तो सिलवाने के लिए दे दिए हैं और उसका भी देने वाली थी, थैली में डाल भी दिया, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद सी लूँ। तो मैंने बताया आप लोगों को मेरे को स्टिचिंग तो आती है लेकिन ये बैठने वाली प्रॉब्लम है, तो कटिंग तो बैठ के ही करनी पड़ेगी मुझे। पर मन करता है, मतलब अपने लिए नहीं लेकिन बच्चों के लिए खुद से कुछ करो तो अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत लगता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता है कि मैं मेरे हाथ से बच्चों को लिए, जैसे मतलब खाने में तो हम बनाते ही हैं लेकिन ड्रेस हमेशा यादगार रहती है कि ये मेरी मम्मी ने बना के दी थी मुझे। तो एक अच्छी सी ड्रेस मैं उसकी सिलना चाहती हूँ, और जैसे ही वो ड्रेस रेडी होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे, अभी मैं पहले लेस लगाना स्टार्ट करती हूँ। पहले तो रील्स देखनी पड़ेगी, रील कितनी है, कलर मैच होता है तो ही लगा पाऊँगी। क्रिस सो रहा है तो उसे उठाना पड़ेगा, मंगवानी पड़ेगी। तो पहले ये वाली चुन्नी रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद में दूसरी। तो आज एक तो पक्का कर ही दूँगी, कोशिश करूँगी कि दो कर लूँ, नहीं तो एक तो पक्का कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्रिस को उठा लिया है, वो मुझे फिर की बुलवा रहा है, और उसके बाद में मैंने
गोटा लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखिए इस चुन्नी के गोटा लग चुका है और दूसरी चुन्नी के भी मैंने लगा दिया है। तो इसके लगाना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा दूसरे वाले के, क्योंकि छोटी लेस थी तो इसे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। और ये वाली चुन्नी है, इसके भी सोच रही हूँ कि लगा दूँ, अगर टाइम मिला तो मैं इसके भी लगा दूँगी।